Good evening, everyone. Once again, it's time to analyze your wonderful stories. So, sabse pehle, Vasudha, she is left out yesterday by a matter of chance. So, extremely sorry, Vasudha. ये स्टोरी परसों की है जो हमने डाली थी जिसमें स्विंग कर रहे थे दो बच्चे एक पेड़ के नीचे. द टाइटल वसुधा हैज गिवन, शी हैज रिटन अ वंडरफुल स्टोरी, सुपर्ब स्टोरी शी हैज रिटन. थर्ड क्लास की बच्ची ने इतनी बढ़िया स्टोरी लिख सकती है. आई कांट बिलीव, आई स्पोक टू हर मॉम टुडे इन द मॉर्निंग, शी सेड शी हैज रिटन ऑन हर ओन. द टाइटल इज बी अ पायनियर. And the moral is that actually I would like to tell you the share of the story content part as well. Shine and Sam, two friends होते हैं, दोनों nature lover होते हैं, हमेशा parks में घूमते हैं. एक बार आंधी तूफान ऐसा आता है कि सारे parks, सारे roads सब कुछ तहस-नहस कर देता है. वो जब park में जाते हैं दोबारा तो देखते हैं कि park तो सब खराब हो चुका है. लेकिन वो हार नहीं मानते, कहते हैं कि हम खुद से ठीक कर लेंगे. इनिशिएटिव लेते हैं, लोगों की मदद से वो अपने पार्क को फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं. और उसके बाद वो आराम से बर्ड्स की चिरपिंग सुनते हुए उस पे झूले पर झूल रहे होते हैं. दैट्स द क्रिस्प एंड शॉर्ट स्टोरी. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. द मोरल इज वी शुड टेक इनिशिएटिव. कभी भी हमको कभी भी कोई चीज डिसऑर्गेनाइज लगती है, दिख जाती है बिकॉज ऑफ द नेचर कैलेमिटी, कुछ भी हो जाता है, तो वी शुड टेक इनिशिएटिव, उसको हमें ठीक करना चाहिए. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी वसुधा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू yesterday's picture, which speaks about a girl sitting at the night looking outside a shooting star. So right from Krishna, the title given, when she looked out of the window, the story is very good, but it has been stretched. Bahut achhi likh sakte the Krishna. Aapka moral acha hai. Nature tells everything without saying. Kuch bhi nahi, nature बगैर कुछ कहे सब कुछ आपको बता देता है. एंड ड्रीम्स ऑलवेज शुड बी देयर इन द माइंड, राइट, इफ रियली वांट टू मेक इट ट्रू. गुड स्टोरी विनायक. योर टाइटल वाज बिलीव ऑन गॉड, एंड द मोरल इज वी विश द गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इफ वी रियली यू नो वांट समथिंग फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट. सो वाकई में दिल से अगर भगवान से मांगो तो सब कुछ पूरा हो जाता है. So, but आपने इसकी ग्रामर में कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना होगा. आपको ग्रामर का मिस्टेक्स काफी है. अगेन एंड अगेन आई एम पॉइंटिंग इट आउट. प्रांजल फंटैबुलस स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी यू हैव रिटन. बड़ी इमोशनल सी स्टोरी है. आप तो एक अच्छे स्टोरी मेकर हो सकते हो भाई. एंड गुड स्टोरी रिटन. द टाइटल इज बॉयज ड्रीम. एंड उसका ड्रीम था डॉक्टर बनना और वो डॉक्टर बन गया. एंड ऑलवेज बिलीव इन योर पेरेंट्स एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स. Right, good moral. Anushree, बहुत अच्छी स्टोरी है गौरी एक बच्चे की. And title is Dream Bigger, Achieve Biggest. Very good. And जब तक हम लाइफ में अच्छे से हार्ड वर्क नहीं करेंगे सक्सेस नहीं मिल सकती. तो शी इज correlated that hard work and success. Both. Very good story, short and crisp. Good moral. And Laksh, the title is My Devotion for My Goal. Your story is too lengthy. Story is too lengthy, but your moral is very crisp and very good moral. Always think out of the box, never be discouraged, and think creative. And dreams are not those which we see while sleeping. Dreams are those which don't let us sleep. So it's a very good moral you have given. You need to work out in short and crisp writing. Ridhima, your title is missing. Girl, the moral is girl was thinking about the nature. So you need, but your handwriting was very very good. Parth, you have also explained the expectations are limitless. Human expectation. वही teddy bear के साथ में बच्ची बैठी है. दूसरे टेडी बियर को विश कर रही है, उससे भी बोर हो जाती है, फिर तीसरे टेडी बियर को विश कर रही है. सो योर विशेस आर एंडलेस. सो हमको जो एक्सपेक्टेशंस है इतनी ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए और लिमिटेड रहना चाहिए. गुड स्टोरी वसुधा. अगेन यू हैव रिटन अ फैंटास्टिक स्टोरी. एंड बिलीव ऑन मी, छोटी सी क्लास थर्ड की जो बच्ची है ना, शी विल क्रिएट वंडर्स. द टाइटल इज डोंट लूज होप.
don't lose hope. It's a character of a Sophia, and there is the morale. There is always another chance to for in your life, right? So keep faith in yourself. Very good, short and crisp story. Rudransh Kapil, you have written a very good story. It's the most connecting story I have found it out here. The title is Life Rewards Those Who Work Hard. And the moral is, wishes are not answered without the hard work. Wo aap kitna bhi hard work, jab tak hard work nahi karoge, aapki wishes nahi suni jayengi. Khali hum wishes kar le, isse kaam nahi chalta. Very good story. Raghav, you've written a very good story. Your title is Mother, and the moral is, if you really love someone, then you can save her. It's an emotional story, but the connectivity is missing with the picture. Vanshika, your title is Wishes from Heart, right? But you have stretched your story. Bahut lambi kar di thi, and connection is missing. Yesterday you've written a very good story. Day before yesterday, Priya Vatsala, you have written a fantastic story. You have written actually from the core of your heart. I believe it's from the core of your heart. A fighter woman ke baare mein aapne likhi hai, and we must never lose hope ke baare mein likhi hai. Bahut acha uska title aapne diya hai, and we must be courageous. So a good story. Suhani Chaudhary, the magical dream, the title is given Magical Dream. By using shortcuts, we can be successful only one time, and when we use hard work, the success will be, you know, ever, forever. So good story, but your story is very, very lengthy. Too much time taken, right? And someone new, very short and crisp and very good story, The Little Girl and Broken Star. Good story, someone new. And the moral is, to achieve dreams, work hard, not dependent on fate. But don't depend on fate, I mean, work, we need to really work hard. And Mishika, again the title is missing. Your story is very good, fantastic story you have written. Every girl should get opportunity to go to school and should get the right to education. You have written a very good story, but your title is missing. Aditya, the small little cutie pie, dreams, this is the title. You always get what you wish for. That's the moral. So I really bless all of the kids. They are really good. They are very creative mind. Believe on me, parents. They have got a very different mindset. And on the basis, because of the stories, we are asking to write down the stories, and they are coming out with a very different creative ideas. Whatever they have there in their mind, it is coming out. So actually, we need to, you know, give exposure in these areas. So we need to take out the best of the creativity. Thank you so much once again for being with us, and all the best.